तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे सुपर हीरोज को जिनके लाइफ में ब्लैक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। और आज हम ब्लैक पैंथर और बैटमैन के बीच एक शोडाउन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो ब्लैक पैंथर का ओरिजिन अफ्रीका से शुरू होता है। तो हजारों साल पहले अफ्रीका के एक हिस्से में मेटेराइट गिरा, जिसे पहले एलियन मेटल नाम मिला, लेकिन बाद में अफ्रीका के 5 ट्राइब्स को पता चला कि एलियन मेटल के फायदे बहुत ज्यादा है। और एलियन मेटल को हासिल करने के लिए अफ्रीका के 5 ट्राइब्स ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी। बाद में एक वॉरियर एलियन मेटल से बनी हार्ट शेप हर्ब खा लेता है, जिसकी वजह से उस वॉरियर में एनर्स स्ट्रेंथ आ जाती है और वो वॉरियर बन जाता है वाकांडा का पहला ब्लैक पैंथर। और वाकांडियंस को बचपन से ही वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिलती है, और अगर किसी वजह से ब्लैक पैंथर मर जाता है तो वाकांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ब्लैक पैंथर बनने के लायक होता है वो ब्लैक पैंथर बन जाता है। बैटमैन का ओरिजिन शुरू होता है ब्रूस वेन के बचपन से। तो जब ब्रूस वेन छोटा होता है तब एक क्रिमिनल ब्रूस वेन के मदर और फादर को मार देता है, और इस इंसिडेंट के बाद ब्रूस वेन अपने दिमाग में ये बात फिट कर लेता है और कसम खाता है कि वो एक दिन गौथम सिटी के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर देगा। और बड़े होते होते ब्रूस वेन बहुत सारी फाइटिंग स्किल सीख लेता है और अपने डर यानी बैट को ही अपनी पहचान और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाता है और बन जाता है गौथम सिटी का रखवाला बैटमैन। अब बात करते हैं स्पीड की। तो बैटमैन की जो टॉप स्पीड है वो है अप्रोक्स 45 किलोमीटर पर आर की, और बैटमैन की रिफ्लेक्सेस काफ़ी फास्ट है। लेकिन ब्लैक पैंथर की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आर की है, जो बैटमैन से थोड़ी फास्ट है, और ब्लैक पैंथर के रिफ्लेक्सेस भी बैटमैन से ज़्यादा क्विक है। स्ट्रेंथ, तो बैटमैन के पास अपर बॉडी स्ट्रेंथ है और बैटमैन मार्शल आर्टिस्ट है। साथ में बैटमैन के पास 200 से भी ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स है। बैटमैन अप्रोक्स 600 टू 700 केजीज का वेट उठा सकता है, और कॉमिक के हिसाब से बैटमैन मैक्सिमम 800 केजीज के वेट से बेंच प्रेस लगा सकता है। बैटमैन अपने पंचे से कंक्रीट तोड़ सकता है। बैटमैन की बॉडी नॉर्मल ह्यूमन की है, लेकिन बैटमैन डीसी कॉमिक से बिलोंग करता है, इसलिए ओवरऑल बैटमैन की फिजियोलॉजी पीक ह्यूमन की है। लेकिन बैटमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इंटेलिजेंस। बैटमैन के पास प्लैनेट अर्थ की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, और सिर्फ अपने इंटेलिजेंस की मदद से बैटमैन ने पूरे जस्टिस लीग को टक्कर दी है। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर के स्ट्रेंथ की। तो बेसिकली ब्लैक पैंथर एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे अपनी स्ट्रेंथ हार्ट शेप हब से मिलती है। टचाला के पास एना स्ट्रेंथ है जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से थोड़ी कम है। ब्लैक पैंथर अप्रोक्स 700 टू 900 केजीस का वेट उठा सकता है। ब्लैक पैंथर ने अपने स्ट्रेंथ से राइनस को बीट किया है और एलिफेंट्स को भी रोका है। ब्लैक पैंथर के पास पैंथर गॉडेस की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर के पास सारे लेट ब्लैक पैंथर की नॉलेज और एक्सपीरियंस है। ब्लैक पैंथर प्लैनेट अर्थ के सारे वेपन्स को यूज कर सकता है। कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर ने कैप्टन अमेरिका और वोल्वरिन को बीट किया है। ब्लैक पैंथर के पास प्लैनेट अर्थ की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और पूरे वाकांडा वाइब्रेनियम का एक्सेस भी है, और वाइब्रेनियम एमसीयू का सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। ड्यूरेबिलिटी, तो बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है और बैटमैन की बॉडी नॉर्मल ह्यूमन की है, लेकिन ब्रूस वेन ने बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स को सीखा है, जिसकी वजह से ब्रूस वेन की बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, और ब्रूस वेन की बॉडी फिजिकल के टॉप कंडीशन में है। ब्रूस वेन ने 137 डिग्रीज में पुलअप्स किए हैं, और ब्रूस वेन काफ़ी दिनों तक बिना सोए भी रह सकता है। ब्लैक पैंथर यानी टीचाला के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, और हार्ट शेप हब की वजह से टीचाला नॉर्मल ह्यूमन से जल्दी हील होता है, लेकिन एनहांस ड्यूरेबिलिटी के बाद भी टीचाला को स्वॉर्ड और बुलेट से मारा जा सकता है। सूट ड्यूरेबिलिटी, तो बैटमैन का सूट काफ़ी हद तक बुलेट प्रूफ है, लेकिन अगर कोई बैटमैन पर स्वॉर्ड या बॉडी के एकदम पास से अटैक करे तो बैटमैन का सूट ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ब्लैक पैंथर के पास नैनोटेक से बना वाइब्रेनियम सूट है, जिसे अर्थ के किसी भी वेपन से काट नहीं सकते, क्योंकि इस सूट में काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी है, और ये सूट पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, और इस सूट को ग्रेनेड से भी कुछ नहीं होता है। एबिलिटीज, तो बैटमैन के पास पीक ह्यूमन फिजिकल कंडीशन और जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। बैटमैन एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है जिसे 200 से भी ज़्यादा फाइटिंग टेक्निक पता है। बैटमैन एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, और बैटमैन हाईटेक गैजेट्स और वेपन्स को आराम से यूज कर सकता है। ब्लैक पैंथर के पास है एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और सेंसेस। ब्लैक पैंथर एक मार्शल आर्टिस्ट, टैक्टिशियन और एक इन्वेंटर है। ब्लैक पैंथर के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से ब्लैक पैंथर वो सारे मरे हुए ब्लैक पैंथर की नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज कर सकता है। वीकनेसेस, तो ब्लैक पैंथर और बैटमैन की कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन हिप्नोटिज्म की मदद से दोनों को वीक किया जा सकता है, क्योंकि एट द एंड दोनों नॉर्मल ह्यूमंस है। तो फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि कौन सबसे पावरफुल है। तो इस मैच के दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर दोनों को प्रिपरेशन टाइम मिले तो बैटमैन कुछ भी करके ब्लैक पैंथर की वीकनेस ढूंढ लेगा, जिसमें से एक है सुपरसोनिक साउंड वेव, जो बैटमैन पहले सुपरमैन पर यूज कर चुका है। लेकिन अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी में इन दोनों की फाइट अचानक होती है तो ब्लैक पैंथर जीतेगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, सूट बैटमैन के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर हम ओवरऑल देखें
तो ब्लैक पैंथर इस बैटल का क्लियरली विनर है, क्योंकि ये था ब्लैक पैंथर और बैटमैन के बीच एक शोडाउन। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो ऊपर आई बटन पर अपना वोट देने के बाद नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।